So if you are looking for open source programs or open source projects to contribute on, then this video is for you. So hi guys, welcome back to my channel. So यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम ऑफ दी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो अर्न सम मनी और स्टाइपेंड फ्रॉम दैट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स. सो आज उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं. एंड आई विल टेल यू सम ऑफ दी बेस्ट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स दैट यू कैन अप्लाई फॉर एंड यू कैन वर्क ऑन दोज प्रोजेक्ट्स. सो यार लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. एंड बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम माई चैनल. सो यार लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो देर आर मल्टीपल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर आप मतलब कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. यू कैन अर्न मनी और स्टाइपेंड फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट्स. सो जो नंबर वन पर है वो है गूगल समर ऑफ कोड. सो गूगल समर ऑफ कोड के बारे में सबने सुना ही होगा बिकॉज ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि सबको पता होता है, बट जो उसका एप्लीकेशन प्रोसेस है उससे लोग मतलब अप्लाई करते ही नहीं है क्योंकि इसके अंदर मतलब कुछ प्रपोजल्स वगैरह जो हैं वो आपको लिखने होते हैं एंड उसके बाद कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं. तो मैं आज उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि गूगल ऑफ समर ऑफ कोड है क्या. एंड सो ये है उसकी वेबसाइट गूगल समर ऑफ कोड जिसको हम जीसॉक के नाम से बोलते हैं. तो 2023 प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर इसका पूरी डिटेल्स गिवन है. लाइक इट इज़ अ ग्लोबल ऑनलाइन फोकस ऑन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर मतलब कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. एंड यहाँ पर आप इसके अंदर जीसॉक कॉन्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं. जितनी भी सारी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर गिवन होती हैं. तो अगर मैं इसके अंदर बताऊं तो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस जिनके ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं एंड आप उसके अंदर उन प्रोजेक्ट्स पर आप कंट्रीब्यूट करते हैं एंड यू विल गेट सम स्टाइपेंड एक्सेट्रा थिंग्स. तो इसके अलावा यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको गूगल से जो मेंटर्स मतलब मिलते हैं आप उनसे मेंटरशिप ले सकते हैं. एंड इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसके स्पेसिफिक मेंटर्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करे जाते हैं जिसके अंदर आप यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं एंड यहाँ पर आप सीखते भी हैं डिफरेंट मतलब प्रोजेक्ट्स एंड स्किल्स के बारे में. सो अगर मैं जीसॉक के एप्लीकेशन टाइमलाइन के बारे में बात करूँ तो ये अराउंड कंट्रीब्यूटर्स के लिए मार्च टू मई के अंदर ये ओपन होता है एंड उस टाइमलाइन के अंदर मतलब उस ड्यूरेशन के अंदर आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं एज अ कंट्रीब्यूटर. एंड अगर मैं बात करूँ कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है तो एवरी वन कैन अप्लाई अगर बस आपके पास प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए एंड यू विल मस्ट हैव द नॉलेज ऑन गिटहब एक्सेट्रा. सो अगर आपकी ये सब रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो आप जीसॉक के अंदर अप्लाई कर सकते हैं. एंड अगर मैं बात करूँ इसमें स्टाइपेंड की तो यहाँ पर स्टाइपेंड आपको 1500 यूएस डॉलर से लेकर 3000 यूएस डॉलर तक आपको यहाँ पर स्टाइपेंड मिलता है एंड ये स्टाइपेंड जो है काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स. सो ये था मतलब पहला जीसॉक जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं. अगर हम इसके बाद सेकेंड में बात करें तो वो है गूगल सीजन ऑफ डॉक्स. तो सीजन ऑफ डॉक्स में यहाँ पर ये जीसॉक की तरह ही है बट यहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. तो जैसे वहाँ पर आप प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हैं रिलेटेड टू लाइक वहाँ पर आप ऐप बिल्ड कर रहे हैं या कोई वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन पर वर्क करते हैं एज एन ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर. एंड यहाँ पर बेसिकली जो टेक्निकल राइटर्स होते हैं जो कि मतलब जिनका एक्सपीरियंस होता है टेक्निकल राइटिंग डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लिखने में वो इस प्रोजेक्ट मतलब वो इस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं. एंड गूगल सीजन ऑफ डॉक्स की जो टाइमलाइन है वो भी मार्च टू मई के बीच में ये ओपन होती है एंड इन दैट टाइम फ्रेम यू कैन अप्लाई फॉर दी जीसॉक एप्लीकेशन एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर. एंड अगर हम इसके स्टाइपेंड की बात करें तो यहाँ पर स्टाइपेंड आपको 6000 यूएस डॉलर्स मिलता है. तो अगर आप एक टेक्निकल राइटर हैं अगर आपका एक्सपीरियंस है टेक्निकल राइटिंग में तो आप गूगल सीजन ऑफ डॉक्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं एंड यू विल गेट दिस स्टाइपेंड ऑफ अराउंड 6000 यूएस डॉलर्स. तो अगर हम थर्ड की बात करें तो वो है गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड. नाउ गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ये मतलब इट इज़ ओपन फॉर एवरी वन इफ़ यू आर बॉय और गर्ल. तो सबके लिए ओपन है. एंड अगर हम इसकी टाइमलाइन की बात करें तो ये भी मार्च टू मई के अंदर ओपन होता है. तो जितने भी मतलब ओपन सोर्स प्रोग्राम्स हैं मोस्टली समर के अंदर स्टार्ट होते हैं तो आप तभी इनमें अप्लाई कर सकते हैं. देन अगर हम जीसॉक की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे मतलब ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट एंड्रॉयड रिएक्ट और एनी अदर प्रोजेक्ट रिलेटेड डेवलपमेंट एक्सेट्रा. तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं. एंड यहाँ पर अगर मैं इसकी मतलब एंड यहाँ पर अगर मैं इसकी प्राइजेज और रिवॉर्ड्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको स्टाइपेंड वगैरह नहीं मिलता है. कुछ जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको यहाँ पर कुछ कैश प्राइजेस मिलते हैं बट अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको कुछ कूल स्वैग्स वगैरह मिलते हैं एंड यू विल ऑल्सो गेट सर्टिफिकेट्स फ्रॉम दी जीसॉक. तो ये था गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड. नाउ हैक्टोबर फेस्ट के बारे में मोस्टली सबने पता ही होता है हैक्टोबर फेस्ट क्या होता है. सो हैक्टोबर फेस्ट इज ऑल्सो एन ओपन सोर्स इवेंट. तो ये मोस्टली अक्टूबर में स्टार्ट होता है. तो एज द नेम सजेस्ट हैक्टोबर तो ये अक्टूबर में स्टार्ट होता है. एंड जो ये मतलब स्टार्ट करा जाता है ये डिजिटल ओशन एक जो प्लेटफॉर्म है ये वो इसको ऑर्गेनाइज करता है. एंड 2023 के लिए भी अभी यहाँ पर एप्लीकेशन जो है स्टार्ट होगी अराउंड सितंबर में. तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. एंड यहाँ पर अगर हम प्राइजेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको एक या तो हैक्टोबर फेस्ट की टी शर्ट मिलती है या फिर उसकी जगह आप यहाँ पर ट्री प्लांट भी कर सकते हैं
एज रिमोटली आप प्लान करेंगे, ये हैं इसके रिवॉर्ड्स। एंड यहाँ पर भी आपको कुछ पुल रिक्वेस्ट, अराउंड यहाँ पर 4 पुल रिक्वेस्ट जो हैं आपको ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में करनी होती हैं, एंड उसके बाद यू विल बी एलिजिबल फॉर दी हैक्टोबर फेस्ट टी शर्ट और प्लांटिंग अ ट्री। तो हैक्टोबर फेस्ट में अभी मतलब ये सेप्टेम्बर में इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, तो आप तब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके बाद अगर हम नेक्स्ट में बात करें तो वो है आउटरीच प्रोग्राम। तो आउटरीच ये काफ़ी अच्छा मतलब ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इवेंट है जहाँ पर आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। सो आउटरीच की अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ, तो ये अगर आप एक अंडर रिप्रेजेंटेटिव कम्युनिटी से आते हैं, सो लाइक इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम एनी बैकग्राउंड लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, एनी जेंडर लाइक हु आर ब्लैक, अफ्रीकन अमेरिकन एक्सेट्रा, तो यहाँ पर जो मतलब गिवन है एलिजिबिलिटी, सो अगर आप इन सब चीज़ों के अंदर आते हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस आउटरीच प्रोग्राम। तो अगर एप्लीकेशन की बात करें तो ये 2 times जो है स्टार्ट होता है, लाइक इट इज स्टार्टेड इन मे एंड इट इज ऑल्सो स्टार्ट इन दिसंबर। तो इसकी एप्लीकेशन जो है 2 बार स्टार्ट होती हैं, तो मे का तो अभी ओवर हो चुका है, बट आप दिसंबर 2023 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो इसकी एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगी वो आज ही से स्टार्ट होंगी, दैट इज़ August 8, तो आप मतलब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आज से ही। एंड अगर हम इसके स्टाइपेंड या बात करें कि मतलब कितना आपको इसके अंदर रिवॉर्ड मिलता है, तो यहाँ पर आपको $7,000 जो है आपको इंटर्नशिप स्टाइपेंड मिलता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है $7,000 टोटल इंटर्नशिप स्टाइपेंड। एंड ये मई टू अगस्त या फिर दिसंबर टू मार्च तक चलती है, तो आप इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी देख लेनी है, यहाँ पर उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर हम लास्ट के बारे में बात करें तो वो है MLH की फेलोशिप। तो MLH की मतलब काफ़ी सारी फेलोशिप है, बट उसके अंदर एक ओपन सोर्स फेलोशिप प्रोग्राम भी है जहाँ पर आप मतलब ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। जो इसकी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर 3 tracks होते हैं, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइट रिलायबिलिटी एंड वेब 3 इंजीनियरिंग। तो आप यहाँ पर इन तीनों की डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं, एंड उस स्पेसिफिक ट्रैक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इस ओपन सोर्स MLH फेलोशिप के लिए। तो अप्लाई नाउ यहाँ पर गिवन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर हम इसकी बात करें इसके अंदर स्टाइपेंड मिलते हैं, तो यस इसके अंदर भी आपको स्टाइपेंड वगैरह मिलते हैं, एंड बट यहाँ पर स्टाइपेंड की डिटेल्स अभी गिवन नहीं है, वो जब आप सेलेक्ट होते हैं तो तब आपको वहाँ पर बताया जाएगा कि दिस इज़ योर स्टाइपेंड अमाउंट। एंड अगर इसके डेट्स के बारे में बात करें कि कब स्टार्ट होता है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन जो है मतलब मोस्टली हमेशा स्टार्ट ही रहता है, तो अभी फॉल 2023 की जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो ओवर हो चुकी है, बट यू कैन अप्लाई फॉर स्प्रिंग और अगेन फॉर नेक्स्ट फॉल फॉर 2024, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो या गाइस, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई हैव कवर्ड मोस्टली एवरी टाइप ऑफ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स इन दिस वीडियो। तो इसके अलावा काफ़ी सारे जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं वो भी मैंने अपनी वेबसाइट पर ऐड करें हैं, तो वेबसाइट का नाम है 1dev place। आप सिंपली गूगल पर सर्च करें ओपन सोर्स प्रोग्राम्स 1dev place, तो आपको वहाँ पर एक जो पहली लिंक आएगी आप उसको ओपन करें। एंड इसके अलावा जो लिंक है वो मैं मतलब डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं। एंड या दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। सो इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो डू गिव इट अ लाइक एंड ऑल्सो शेयर विद अदर्स, सो दैट दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दीज ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स एंड इवेंट्स। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू सब्सक्राइब, बिकॉज it helps me, motivates me to make new videos also. So yeah, thanks for watching this video, and bye bye.